क्या तुम मुझे अभी मिल सकती है? प्लीज हमारी बात सुन लो। कहाँ मिलना है? घर की बैक रोड, आधे घंटे में। ठीक है, हमारे इस समय किससे बात कर रही थी? भाभी, मैंने उसे मिलने बुला तो लिया, पर प्लान क्या है आपका? करिश्मा, तेरा डर यही है ना कि अनु अगर यहाँ पे आ गई तो तुम्हारी शादी में कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। लेकिन ऐसा कुछ करते हैं जिससे अनु यहाँ पे पहुंच ही नहीं सके। तो मतलब ये मेरे प्लान पे शक कर रही है? नहीं, जो लड़का आज तक तुझे यूज कर रहा था अपने जन्म के प्यार को जेलस करने के लिए, आज उससे तेरी शादी हो रही है। किसके बदौलत? मेरे बदौलत। जय आस्था मैया ऐसा कहने के बजाय तुम मेरे प्लान पे शक कर रही है? नहीं भाभी, मेरा मतलब वो नहीं था, बट इस समय यहाँ से कैसे निकलेंगे? माँ कभी नहीं मानेंगी, वो शगुन अपशगुन और की बातें करेंगे, आप तो जानती हो ना। अगर इकलौती बेटी की शादी की ड्रेस खराब हो जाए तो भी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगी। फूफा जी तो मानेंगे। पापा, हाँ। करिश्मा इस समय किससे बात कर रही थी? कहीं अनु से तो नहीं कर रही थी? हम अनु को फोन करके पूछते हैं। हे भगवान जी, कहीं ये भी कोई अपशगुन तो नहीं? रोहन जी रुकिए, वो नीचे पूरा कांच बिखरा पड़ा है, हम पहले ये साफ कर देते हैं, आप फिर अंदर आइएगा। अलका जी, जी वो पंडित जी ने मना किया था तो। किस चीज के लिए? आपका पाव कटने से बचाने के लिए? हाँ, अगर आपको अपने पति से ज्यादा उस पंडित पर भरोसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पर पंडित ने तो मना किया था ना। इस चीज के लिए, आपका पाँव कटने से बचाने के लिए। आपके पंडित ने कहा था ना अलका जी कि अगर हम दोनों पास है तो कुछ बुरा होगा। यहाँ आप एक कदम मुझसे दूर जाती है तो आपके पैर में चोट लग जाती है। अगर मैं आपसे एक कदम दूर जाता हूं तो मेरा पैर कटने लगता है। इसे आप क्या कहेंगे? अलका जी देखिए मेरी तरफ, एहसास कीजिए मेरे पास होने का, हमारे साथ का। क्या इसमें आपको कोई भी अपशकुन लगता है? मैं जब भी दुकान में टेंशन में होता हूं तो आधे घंटे के लिए घर चला आता हूं आपके पास, मेरी सारी टेंशन को दूर करने के लिए। रोहन जी वो पंडित। अलका जी पंडितों ने तो ये भी कहा था कि 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी, हुई क्या? अलका जी जब भी हमें कोई सामान बाजार में बेचना होता है तो हम ग्राहकों को भी यही यकीन दिलाते हैं कि उनके पास जो भी बर्तन है उनमें बहुत सारे नुक्स है, उन्हें नए बर्तन खरीदने चाहिए। अलका जी ये पंडितों का काम भी दुकान वालों की तरह ही होता है, पर वो ये नहीं जानता कि इस बार उसका पाला एक दुकानदार से पड़ा है। और आपको क्या लगता है अलका जी, आस्था भाभी के लाए हुए पंडित आपको यकीन करना चाहिए? क्या वो सही है? अलका जी प्यार से अच्छा शगुन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई किताब पढ़ने की या किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया समझती है जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसका पास जाना अपशकुन कैसे हो सकता है। हाँ अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते। जी जी रोहन जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रही हैं अलका जी। अगर वहम डालना ही है तो प्यार का डालिए ना। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे नई ड्रेस लेके दो, ये देखो। ये कैसे हो गई? पता नहीं भूपा जी, ये तैयार होने लगी थी तो हमने देखा ये दाग लगा हुआ है ड्रेस पे। कैसे देवरानी जी को छोड़ के कोई गया तो था नहीं कमरे में? अब लग गया तो लग गया ना, तो मैं मार्केट जा रही हूँ न्यू ड्रेस लेने के लिए। अभी? तो और क्या, शादी के बाद जाऊंगी। फूफा जी वैसे पास में बहुत ही अच्छा सा बुटीक है, मैं जानती हूँ उनको, फैमिली फ्रेंड हैं। भाई इसके लिए तो होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ है श्रीमती जी? वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी, कुछ तो अजीब सी थ्योरी दे देंगी कि शादी से पहले घर से नहीं निकल सकते नॉल। प्लीज पापा। फूफा जी आप अगर कहें तो मैं साथ में चली जाती हूँ, आधे घंटे में दोनों काम करके वापस आ जाएंगे। प्लीज पापा आप तो मेरे हर दिन को इतना स्पेशल बना देते हो, और आज तो जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वैसे भी मेरी शादी इतनी सिंपल हो रही है, ऊपर से ये दाग वाला ड्रेस पहनेंगे तो मूड और खराब हो जाएगा। प्लीज पापा ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स में आ जाऊंगी प्लीज। श्रीमती जी कहाँ है? उनको नहीं बताना। एक और बात, मैं जहां कहूं वहां चलें, जो करना चाहो वो करूंगी, ज्यादा सवाल जवाब ना करें, ओके? सुन लिया हमारी बेटी ने क्या कहा? जी। तो खुश? जी मिनिस्टर जी। ओके। चल। जाके गाड़ी निकालो। सुन अनु पे लगे दाग को और पक्का कर दे। ओके, तुझे पता है ना मुझे क्या करना है? डोंट वरी। अनुष्का, हमने रजत को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मानने को तैयार ही नहीं। हमने उन्हें बताया कि ये सब करिश्मा ने किया है, ये साड़ी, ये टोकरी, पर वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, हमें लगता है ये सच्चाई अब काम नहीं आएगी। जालसाजी को जालसाजी से हराना पड़ेगा। अब हम पुख्ता सबूत लेकर आएंगे। यार जो भी करना जल्दी करो, 3 घंटे बचे 7 बजने में। हमें पता है, हम अभी आए। हाँ अनुष्का, हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। कहीं उसने तुम्हें किसी और केस में फंसा लिया तो? जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं दिव्यांग, उससे सिर्फ हम उभर ही सकते हैं। चिंता मत करो, जो लोग चुप पे वार करते हैं सामने आने पर कमजोर पड़ ही जाते हैं। ध्यान रखना अपना, तुम भी। हम आए। यहाँ क्या कर रही है तू? लड़की वाले आने वाले हैं, चल तैयारियां करनी है। वो चल के वो कैटरिंग वाले को बता क्या खाना बनाना है। मिंटी, रो क्यों रही है तू? क्या हुआ? ये कोई शादी है? अपनी किटी पार्टी में मैं इससे ज्यादा तैयारियां करती हूँ। आपको पता है कब से आपसे छुपा छुपा के मैं पैसे साइड में रख रही हूँ कि अपने बेटे की शादी में मैं 1.25 लाख रुपए की साड़ी पहनूंगी। मेरे बेटे की शादी ना वो बड़ी गाड़ी में करूंगी, वो शानदार सी गाड़ी में उसकी डोली लेके आऊंगी। वो गाड़ी जिसकी छत नहीं होती ना, वो वाली। जितना शानदार मेरा बेटा है उससे शानदार उसकी शादी होगी। लेकिन हम यहाँ कर क्या रहे हैं? शादी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है चोरी कर रहे हैं। सब कुछ छुप छुप के कोई देख ना ले, कोई नुकसान ना कर दे। इतना डर, सब कुछ सिक्योरिटी में। आपको पता है कि जो ऊपर वाला है ना, ये मुझे मेरे किए की सजा दे रहा है। वो वहां खड़ा खड़ा सोच रहा होगा और हंस रहा होगा, तूने अपने बेटे की शादी को खेल समझाता ना। चल मैं तेरे साथ खेल खेलता हूँ और तुमसे 4 गुना बड़ा खेल खेल सकता हूँ। मेरे बेटे को मेरे किए की सजा दे रहा है वो। शरीजा, मेरा बेटा इससे ज्यादा अच्छी शादी डिजर्व करता था। ये नहीं। चल वो आने वाले हैं, चल के तैयारी शुरू कर। एक ये क्या है? नींबू मिर्ची है। ये जो बुरी नजरें अभी भी हमारे घर पे टिकी हुई है ना, उससे अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही है। बंटी ये वहम ना पाल यार। ये वहम नहीं है, सच्चाई है। आपने देखा नहीं, जब से ये हमारी जिंदगी में आई है बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन लोगों ने। और वैसे भी मैं इन शास्त्री सिस्टर से ज्यादा ना अपने वहमों पर भरोसा करती हूँ, इसलिए मुझे कर लेने दो जो मैं कर रही हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। आ गए। क्या कहना चाहती हूँ कहो। तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, बहुत सोच समझ के किया है ना तुमने ऐसा। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। जब रजत से प्यार हुआ तो सब कुछ करना खुद ब खुद आ गया। प्यार करती हो तो तुमने रजत के साथ इतनी बेरहमी क्यों की? बढ़ते धीरे धीरे खुलती हैं डाल। आज तुम्हें एक चीज पता चली, कल दूसरी पता चल जाएगी। अब सबको सब पता चल जाएगा, रजत को भी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना, पर हो नहीं। हमारे पास वो सब सबूत है। वो तुम ही थी ना जो उस दिन हमारे घर पे बर्तन वाली बन के आई थी, और उसी दिन वो सीढ़ी तुमने ही हमारे कमरे में रखी थी, है ना? Not bad यार। तुम छोटे शहर में पली बड़ी लड़कियां इतनी भी डफर एंड ऑल नहीं होती। हाँ, वो सीडी मैंने ही रखी थी तुम्हारे कमरे में। और ली कब थी वो भी बता देती हूँ। उससे एक दिन पहले तुम्हारे ही तो कपड़े पहन के गई थी मैं रजत के कमरे में। बाय चांस अगर मुझे कोई देख ले तो शक तुम पे करे। स्मार्ट ना? क्यों करिश्मा, हम पे ही शक करवाना था तो किसी और तरीके से करवा दो। बेचारे रजत से उनकी सबसे प्यारी चीज छीनने की क्या जरूरत थी? वो तो तुमसे शादी करने वाले थे। चिंता मत करो, शादी भी करेगा और आगे से ज्यादा प्यार भी करेगा। नहीं, अब वो तुमसे सिर्फ नफरत ही करेगी। वो क्या है ना, कुछ लोग जो दिखते हैं असल में कुछ और ही होते हैं। ये फोन देख रही हो, इसमें हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। और सबको बहुत जल्द सच पता चल जाएगा कि वो सीडी खोने में ना ही रजत का हाथ था और ना ही हमारा। तुमने उनसे उनकी मुस्कुराहट छीनी थी ना, आज हम उन्हें वो वापस लौटाएंगे। प्लीज अनु, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरी शादी रुक जाएगी, मैं कुंवारी रह जाऊँ। अनु प्लीज, प्लीज अनु, प्लीज प्लीज। नहीं हो पाया। तुम ये रजत को दिखाना चाहती हो ना, तो ठीक है। जाना चाहती हो तो जाओ, गो। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हम ऐसा कुछ करेंगे कि अनु कोई एक्शन ना ले पाए। डिलीट। और फिर तेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.